नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां प्रसिद्ध कैलाश मंदिर में अपने को कथित तौर पर महंत घोषित करने वाला लड़का गौरव गिरी अपनी वाहवाही ओढ़ने के चक्कर में सीएम सरकार की योजना को धराशाही करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एक ओर सरकार ने पवित्र श्रावण मास में खुले में मीट की दुकान न खोले जाने के आदेश जारी किए हैं, वहीं दूसरी ओर कैलाश मंदिर में अपना जन्मदिन मनाना, केक काटने और भोलेनाथ को खिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह थाना सिकंदरा में तैनात इंस्पेक्टर आनंद शाही ने अपने जन्मदिन पर कैलाश मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर साथ में केक भी काटा और भोलेनाथ को चढ़ाया। आरोप है, कोई भी केक बिना अंडे के नहीं बनता है। कैलाश महादेव मंदिर में गर्भगृह में केक ले जाना हिंदू रीति रिवाज और परंपरा को आघात पहुंचाना है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, किसी भी मंदिर में अंडे का बना केक ले जाना हिंदू परंपराओं के साथ खिलवाड़ करना है। मंदिर के पुजारी गौरव गिरी साथ में हैं, वे भी इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है इंस्पेक्टर साहब नाराज हो गए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो वो भी चुपचाप इस कृत्य को होता देख रहे हैं और उन्होंने भी अपनी मौन अनुमति दे रखी है, जिस पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी ने कहा उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो सिकंदरा इंस्पेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए भारतीय हिंदू परिषद तैयार है, जिससे इस तरीके का भविष्य में कोई कृत्य ना हो सके, इसके लिए पुजारी परिवार को भी हिदायत दी जाए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत इसका विरोध करते हैं और जो सिकंदरा इंस्पेक्टर ने या उनकी नॉलेज में नहीं हो सकती है, उसके बाद उन्होंने या जानबूझ के अंडे का केक काटा है और भोले बाबा को खिलाया है, वो वीडियो मेरे पास आई है। एक तरफ सावन के महीनों में हम अंडे मीट, परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि पवित्र सावन के महीने में कोई अंडे मीट ना बेचेगा ना बनाएगा, उसके बाद भी इस चीज़ को धराशाही करते हुए सिकंदरा के इंस्पेक्टर साहब ने जो केक कैलाश मंदिर भोले बाबा पे काट के गर्भगृह जहाँ पे जाना भी लोगों को 10 बजे सोचना होता है, उन्होंने वहाँ पे केक काटा है, केक खिला रहे हैं, ये कि गुनाह में आता है कि भोले बाबा पे इस बार बेलपत्र चढ़ाना और चीज़ चढ़ाना, पानी चढ़ाना, गंगाजल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, केक नहीं चढ़ता है। उन्हें आके सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर वो सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सिकंदरा इंस्पेक्टर के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। उन्हें सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, ये राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत की मांग है। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। राजस्थान के बारा शाहबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्लॉक शाहबाद के कस्बा थाना कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा मोटरसाइकिल तिरंगा रैली निकाली गई। शिक्षक संघ के प्रदेश महासमिति सदस्य विपिन कुमार जैन और ब्लॉक अध्यक्ष बारेलाल मेहता ने बताया कि कस्बे के श्रीराम रंग मंच से तिरंगा ध्वज के साथ हाथों में झंडे लिए भारत माता और वंदे मातरम के जय घोष के साथ मोटरसाइकिल रैली रवाना की गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पहुंची। जैन ने इस अवसर पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की, ताकि देश में राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना पैदा हो। देश के पहले हमेशा पहले के आह्वान के साथ रैली का समापन हुआ। इस दौरान थाना अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस जाफ्ता भी साथ रहा। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।
बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। छत्तीसगढ़ के चुरमिरी मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका निगम चुरमिरी से 75 किलोमीटर की पदयात्रा आज प्रातः 9 बजे से शुरू की गई है। समापन 14 अगस्त को मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में होगा। नगर निगम चुरमिरी के हल्दीबाड़ी चौक में स्थित राधा कृष्ण मंदिर से पूजा अर्चना कर यात्रा प्रारंभ की गई, जो शहर के मुख्य मार्ग होते हुए कालीबाड़ी बाजार होकर गोदरी पारा तक जाएगी। यात्रा चुरमिरी नगरपालिका निगम के सभी वार्डों के अलावा खंड गांव ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र और ब्लॉक मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र से होकर नगरपालिका के झगड़ा खंड में समापन होगा। इस यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस जनों ने इस पदयात्रा में भाग लिया। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781100। राजस्थान के दौसा लालसोट में श्रावण के आखिरी सोमवार को कांवड़ियों ने शिव जी का जलाभिषेक किया। सावन के चौथे आखिरी सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालु की भीड़ लगी हुई है, वहीं आज विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। लालसोट के डिडवाना गांव में स्थित श्री नरसिंह भगवान मंदिर परिसर में स्थित शिवालयों में कांवड़ियों ने शिव जी का जलाभिषेक किया। महंत परशुराम दास ने सानिध्य में कांवड़ियों ने पाराशर धाम के कांवड़ यात्रा लाकर आज सोमवार को शिव जी के जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर चाय नाश्ता देकर कांवड़ियों का स्वागत किया। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। गुजरात के भावनगर में चौगत के पास भावनगर अहमदाबाद हाईवे को बंद कर दिया गया। रंगोली नदी पर बने पुल में पानी भर गया और यातायात बाधित हो गया। नदियों में बाढ़ के कारण भावनगर से बलबीपुर जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक जाम के दृश्य सामने आए। वाहनों के लाइनिंग के साथ मूसलाधार बारिश के कारण अपस्ट्रीम कालोभर और रंधौली नदी में बाढ़ आ गई है, जिसका पानी हाईवे पर ओवरफ्लो हो गया है। साथ ही बलबीपुर तालुका के गाँव में लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। ऊपर से मूसलाधार बारिश के कारण आयुपुर हाईवे पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर।
बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। उत्तर प्रदेश के मेरठ थाना मुंडाली क्षेत्र के गांव मऊ खास में चौकी से कुछ दूरी पर स्थित कौशिक मिष्ठान भंडार व कन्फेंसरी की दुकान में कुंबल कर चोरों ने लाखों का माल पार कर लिया है। चोरों ने इस घटना को बीती रात्रि को अंजाम दिया। वहीं मोहित शर्मा दुकान स्वामी ने थाना पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। मऊ खास चौकी प्रभारी सुभाष चंद्र ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले का जल्द खुलासा करने को कहा है। दुकान स्वामी मोहित शर्मा ने बताया कि उनकी दुकान में पहले भी एक बार चोरी हो चुकी है। मोहित शर्मा है जी नाम मेरा। क्या मामला, कैसे चोरी हुई यार? रात जी 9 बजे दुकान बंद करके गए थे, ठीक ठाक सही उस सही पोजीशन में बिल्कुल। सुबह आके देखा तो पीछे भी कुंबल, दोनों तीनों कमरों में कुंबल, बहुत सामान चुरा के ले गए हैं। चीनी के कट्टे हैं, रिफाइंड तेल के टीन हैं, सिगरेटों के डंडे हैं बड़े बड़े, और हल्दीराम की नमकीन है। मतलब बहुत सारे आइटम ऐसे हैं, हमारे मोबाइल का सामान है बहुत सारा, चार्जर वार्जर्स वगैरह, लीड वीड वगैरह, ये हैं सब। कोल्ड अनुमानित 3 से 4 लाख रुपए का सामान है टोटल। पहले भी चोरी हुई थी क्या? हाँ जी, 1 महीने पहले भी यहाँ चोरी हुई थी, सामने दुकान थी जब, अब ये टूट गई है। पुलिस चौकी हमारे सामने ही है ये, जस्ट कौशिक मिष्ठान भंडार जी सर। नुकसान नहीं हुआ था, जब कुंबल ही हो गया था, बस एक डंडा गया, बस 5-4 हज़ार रुपये का एक डंडा गया था सिगरेट का जब। जी अब दोबारा जी, अब 1 महीने बाद दोबारा फिर हो गई है इसमें। पता लगा खोली जी हमने 5:30 बजे दुकान खोली, तो जब सामान फैला मिला अंदर से सब, जब पता लगी हमें रात 9:15 बजे बंद करी थी दुकान, ठीक ठाक। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी, पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781100। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर।